विश्वर सर्वबृहत राजनैतिक दल बीजेपी आज 43तम प्रतिष्ठा दिवस 42 वर्ष तले आज दिन में अर्थात 6 एप्रिल 1980 अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी समेत 11 जन नेता मिशी मुंबईर समुद्रकूल भारतीय जनता पार्टी स्थापना करते वाजपेयी बनी प्रतिष्ठाता सभापति दल गठन पर 1984 बीजेपी प्रथम थर पर लोकसभा निर्वाचन सामना कर सारा देश में 224 जन प्रार्थी पद्मफूल चिन्ह निर्वाचन लड़ते एकदा लोकसभा मात्र 2 जन सदस्य थे कि आज 303 सदस्य सहित बीजेपी ना केवल देशर बर विश्वर सबुठ बड़ राजनैतिक दल होवार गौरव हासिल कर उत्तर भारत पार्टी भाव बीजेपी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सबुठी निजर मजबूत उपस्थिति जाहिर करने सहित अधिकांश राज्य में सरकार गठन करिवारे सक्षम होई छी। बीजेपी छवि केवल एक कठोर हिंदुत्ववादी दल से सीमित रही नहीं बीजेपी पूर्व स्वरूप भारतीय जनसंघर प्रतिष्ठाता दीनदयाल तब आप सीधा सख दृश्य देखुंत नुआदिल्ली जेपी नड्डा वर्तमान पताका उत्तोलन कर तार सीधा सख दृश्य देखुंत तेरे आम जमी आलोचना करते जे प्रतिष्ठाता रही भारतीय जनसंघर दीनदयाल उपाध्याय जो मंत्र रही अंत्योदय से ही रास्त चली मोदी सरकार केन्द्र सरकार मुख्य स्लोगान पलटि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास आपदिल्ली वर्तमान सीधा सड़क दृश्य मध्य देखुं किभली भाव में जेपी नड्डा रही है पता उत्तोलन करते से भाव में दलय कर्मी नेता उपस्थित रही जेहेतु आज प्रतिष्ठा दिवस रही है और देशर विभिन्न स्थान राज्यर विभिन्न स्थान कार्यक्रम रखा जा विश्वर सबुठ बड़ राजनैतिक दलर गौरव वर्तमान बीजेपी सह रही तबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में बीजेपी अप्रतिद्वंदी राजनैतिक शक्ति भाव में निजर कलेबर लगातार भाव बढ़ाई चली मोदी सरकार भारत को विश्वगुरु बनवा लक्ष्य जो उद्यम करुँचन महल प्रशंसा कर दुईट दृश्य देखिपी दिल्ली बीजेपी मुख्य कार्यालय और अन्यटी राज्य बीजेपी कार्यालय पता उत्तोलन कर 42तम प्रतिष्ठा दिवस में बीजेपी पक्ष आपखिपे गोटेपटे जेपी नड्डा किभली भाव आ कि समय पूर्व पता उत्तोलन करते अंपटे राज्य बीजेपी कार्यालय रही समस्त एकाठी होती प्रतिष्ठा दिवस रे बीजेपी पक्ष विभिन्न कार्यक्रम आयोजन करेर विभिन्न स्थान में राज्यर विभिन्न स्थान में स्वतंत्र कार्यक्रम आयोजन कर अनुरोध करी आम दलर 44तम स्थापना दिवस अवसर में आमर पूर्वतन मंत्री पूर्वतन राज्य सभापति माननीय के वि सिंहदेव महोदय आम आगे दुई शब्द रखे पूर्वतन राज्य सभापति माननीय श्री समीर महंती उपस्थित संगठन मंत्री आम मानस महांती जी उपस्थित समस्त दल पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बंधु सर्वप्रथम आम प्रतिष्ठा दिवस उपलक्षे आज पार्टी अध्यक्ष उपस्थित हो समस्त को स्वागत जनाऊँ 6 एप्रिल 1980 मसीह भारतीय जनता पार्टी स्थापना मुंबई एवं भारतीय जनता पार्टी 1980 मसीह आज आगे बढ़ु गोटे समय थिला जेबे दलर मात्र 2 जन सांसद आम लोकसभा आज बढ़ी बढ़ी करी प्रवेश कर रही है। इस प्रस्थान में बहुत सारे महान भावों का जिनकी कोई अपेक्षा नहीं थी
और विश्वास भी नहीं थी कि एक दिन भारत में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ सकती है। फिर भी उन्होंने अपना पूरा जीवन पार्टी के लिए न्योछावर कर दिए थे। आज उन सभी महान भावों का सम्मान पूर्वक चरण स्पर्श करती हूँ और लाखों करोड़ों हमारे कार्यकर्ता भी बिना किसी अपेक्षा के उन्होंने अपना पूरा जीवन पार्टी की सेवा में बिता दिए। उन सभी कार्यकर्ताओं का आज मैं नमन भी करती हूँ। कुछ ही क्षणों में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, जिन्होंने बहुत मुश्किल समयों में, कोरोना के समय में भी पार्टी की जो मूल सोच है अंत्योदया, उससे स्फूर्ति लेते हुए उन्होंने हमें सेवा करने का मौका दिए। अभी जब जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे बीच होंगे, मैं आग्रह करूंगी कि आप सब अपने अपने स्थान पर खड़े होकर करतल ध्वनियों से उनका स्वागत करें। तुरंत बाद आप अपना स्थान ग्रहण करें ताकि एक छोटी सी लघु चित्र जो होगी, भाजपा जिस तरह से आंदोलन से उभरी हुई पार्टी है, उसको हमें देखने का मौका मिलेगा। और ठीक 9:45 पे नड्डा जी अपना उपस्थित भाषण देंगे और तुरंत बाद नरेंद्र मोदी जी अपना 4.5 कोटी ओडिया को मध्य शुभेच्छा जनाऊँ। प्रतिष्ठा दिवस प्रति वर्ष भाई आम पालन करुचे, किंतु चलित बर्षर जो गुरु दायित्व बहन करुचे प्रतिष्ठा दिवस स्वाधीनतार 75 वर्ष अमृत महोत्सव पालन अवसर रे, ये अमृत कालखंड रे जो महामनीषी माने ये दल को प्रतिष्ठा करिवा पाई त्याग तपस्या बलिदान करिछंती, सर्वप्रथम से पूर्व सूरी मानंकु मु भारतीय जनता पार्टी ओडिशा प्रदेश आपण मानंक समस्तंक तरफरु तांकु कृतज्ञता ज्ञापन करुछि, तांकु धन्यवाद ज्ञापन करुछि। एवं सेमानंकर जो स्वप्न, सेमानंकर जो त्याग तपस्या, लक्ष लक्ष कार्यकर्ता ए दल को प्रतिष्ठा करिवा पय अनेक कष्ट स्वीकार करी आज भारत वर्ष को परम वैभवशाली बनेबार जो लक्ष्य नहीं थे, से लक्ष्य वर्तमान पूरण हबार आरंभ करी। एवं आसंता 25 वर्ष भीतर स्वाधीनतार 100 वर्ष पूर्ति करने अवसर में निश्चित रूपे भारत वर्ष विश्व एक सर्वश्रेष्ठ देश भाषण समग्र विश्व को वसुदेव कुटुंब जो कुटुंब जो आह्वान ताको साकार करने समग्र विश्ववासी कल्याण रे भारतीय जनता पार्टी लक्ष लक्ष कार्यकर्ता बलिदान निश्चित रूपे एक सुंदर विश्व को एक श्रेष्ठ विश्व आम परिणत करने जो आह्वान आम पाखे अच्छी आम समस्त कठिन परिश्रम आगामी दिन में ओडिशावासी सेवा करने सुजोग पाइबापी आज दिन में आम समस्ते संकल्प नवा। एवं आशा करुच्ची आज प्रतिष्ठा दिवस आम समस्त स्मरणीय हो रही ये अमृत कालखंड पर्याय आरंभ हो आम समस्त परिश्रम सफल कर। आज आपण मैने डाक मत इति दुई शब्द कहार सुजोग दे आपण मान पाखे कृतज्ञता ज्ञापन करुच्छे समस्त को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आम आम दुज पूर्वतन सभापति आगे चीर ऋणी आज आम ये परम वैभवशाली मुहूर्त आम सहित जोग दे कार्यक्रम को सफल मंडित करें ये पता उत्तोलन
उत्सव एठी नसारी गिरी आपण देखु पर्थबे जे हमरो राज्य कार्यालय ऊपर मध्ये गोटे भारतीय जनता पार्टी रो विशाल पताका उडुची सेठी मध्ये आमे उत्तोलन करिबा एवं ता परवर्ती काल रे जो माने आमे आउटी के परे 9:45 पूर्वरु हॉल रे पहुंचिबा एठी आमरा राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी कर अभिभाषण रहइबो 9:30 रे एवं 9:45 रे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कर अभिभाषण रहइबो भारतीय जनता पार्टी तर कार्यकर्ता एवं देशवासी कर उपलक्षे याकु आमे समस्त बसिक सेठी सुनिबा जो गणमाध्यम रु बंधु माने आसिछन्ति समस्त अनुरोध करिवि जे चा पान खाइकि जिबे एवं एबे हम समस्ते फल को जीवा ए सभा को एकी सारिबा वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय भारत।